इतिहास में जापान की तरफ उनके कई दुश्मन उन पे हमला करने की कोशिश किए हैं, और उन्हीं में से 1274 में एक लेजेंडरी मंगोलियन था कुबलाई खान नाम से, जो कि ग्रैंडसन था जेंगिस खान का। दोस्तों जेंगिस खान वही है जो कि वजह था 4 करोड़ लोगों की मौत का, और कुबलाई खान उसी का ग्रैंडसन था। तो एक दिन कुबलाई खान अपने 30,000 सोल्जर्स के साथ इकट्ठा होके जापान की तरफ सेल करने निकला। जो भी लैंड ऑफ राइजिंग सन यानी जापान गया है उसे पता ही होगा कि जापान कितनी खूबसूरत कंट्री है, लेकिन कुबलाई खान यहाँ पे खूबसूरती देखने नहीं आया था बल्कि वहाँ पर इन्वेजन करने जा रहा था। तो साउथ कोरिया से निकल के ये लोग काफी जल्दी सुशीमा और इक्की पे कब्जा कर चुके थे, लेकिन जब वो हकाटा बे पहुंचे तो उनके वहाँ पे लोकल समुराई की वजह से थोड़ी रुकावट आ गई, तो उन्हें इस वजह से उन्हें पीछे हटना पड़ा और उन्होंने सोचा कि हम किसी और रास्ते से जाते हैं। तो जब वो वापस जा रहे थे तो समुद्र में एक बड़ा सा तूफान आया और लगभग 200 शिप्स को डुबा दिया और इन्वेजन वहीं रुक गया। बट कुबलाई खान एक जिद्दी आदमी था, उसके जापान पे कॉन्कर करने का सपना ना करके उसने 7 साल इंतजार किया और तैयारी की। वक्त था 1281 जब मंगोल्स ने दोबारा जापान की तरफ सेल करना शुरू किया, और इस बार उनके शिप और आर्मी पहले से कई ज्यादा बेहतर और बड़े थे। उनके पास करीब 4,000 से भी ज्यादा शिप और 140,000 से भी ज्यादा सोल्जर्स मौजूद थे, और इसके बाद ये फ्लीट दुनिया की सबसे बिगेस्ट असेंबल फ्लीट माना गया। जब तक वर्ल्ड वॉर टू के डी-डे लैंडिंग्स नहीं हुई जो कि 663 साल बाद होने वाली थी। तो हिस्टोरियंस नहीं जानते थे कि मंगोल्स की न्यू आर्मी को डिफाइन करने के लिए जापान के पास कितनी बड़ी आर्मी थी, लेकिन काफी हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि मंगोल आर्मी जापानीज आर्मी की तादाद से 3 गुना ज्यादा बड़ी थी। और जैसे लग रहा था कि पूरा जापान मंगोल्स आर्मी के कब्जे में आने वाला है, वैसे ही एक और बड़ा तूफान आया और कुबलाई खान की आर्मी को चकनाचूर कर दिया। 4,000 से भी ज्यादा शिप्स में से कुछ सिर्फ 100-200 शिप्स ही बचे थे और हजारों आदमी डूब गए थे, और जो लोग बचे थे वो नदी किनारे आके जापान पहुंच चुके थे और उन्हें लोकल्स ने मार दिया, और इस कारण 1274 और 1281 के टाइफून्स को द डिवाइन विंड्स या फिर जापानीज में कामिकाज़ी भी कहा जाता है। दोस्तों पर जापान के लिए अपने दुश्मनों के लिए कहानी यहीं रुकती नहीं है। जापान ने खुद को फिर से अपने एक डरावने दुश्मन का सामना करते पाया जो कि था यूएसए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। भारत फिर से एक बार गंभीर लगने लगे थे, और इस बार बिना किसी टाइफून की मदद से। उस वक्त के एम्परर हिरोहितो ने एक खतरनाक नई टेक्निक का यूज करने का ऑर्डर दिया। October 25, 1944 में जापानी सोल्जर यूएस नेवी पर सुसाइड एयरक्राफ्ट का यूज करने लगे। ये एयरक्राफ्ट के अंदर रियल पायलट्स होते थे जिन्हें यूएस नेवी के शिप्स पर डायरेक्टली टकरा जाया किया करता था। एम्परर हिरोहितो ने ये पायलट्स को एक नया नाम दिया, कामिकाज़ी, जिसने एक और बार बचाया जापान को खतरनाक हमलों से। लेकिन आज की दुनिया में हम भूल चुके हैं कि जापानीज कामिकाज़ी टैक्टिक्स में और भी कई चीजें थी, जैसे कि पायलट टॉरपेडोस, सुसाइड स्क्यूबा डाइवर्स एंड ह्यूमन लैंडमाइन। और यही अजीब और डेंजरस चीज ने हमें बताया कि एक कंट्री कितने हद तक जा सकती है वॉर जीतने के लिए, और यही स्टोरी पूरी दुनिया में जानी गई एज ए जापानीज अटैक यूनिट। जापानीज इंजीनियर्स ने काइटन यानी पायलटेड टॉरपेडोस की एक बड़ी फुल फ्लेज सबमरीन वर्जन बनाया, जिसे कायरू या फिर सी ड्रैगन भी कहा जाता है। हर कायरू में 2 क्रू मेंबर्स और 2 टॉरपेडोस होते थे। इन्हें फायर किया जा सकता था पूरे एक्सप्लोजिव से भरी सबमरीन को एक शिप में घुसाने से पहले। 1945 में टोटल 750 कायरू शिप्स बनाने का प्लान किया था, लेकिन सिर्फ 210 ही बन पाया जापान के सरेंडर करने से पहले, जो कि हुआ था अगस्त 1945 हिरोशिमा और नागासाकी के न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट के बाद, और उसमें से भी किसी भी कायरू शिप्स का यूज नहीं हुआ था। जब वॉर अपने अंतिम समय में थी तो जापान की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसका जीतना नामुमकिन था। कुबलाई खान के तरह ही यूएसए भी जापान पे इन्वेड करने का प्लान बना रहा था, जिसका नाम था ऑपरेशन डाउनफॉल। अगर ये प्लान जापान के सरेंडर करने से पहले होता तो ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा एम्फिबियस लैंडिंग्स होता। जापानीज लोग जानते थे कि ये अटैक होने वाला है हिरोशिमा और नागासाकी बॉम्बिंग के पहले। जापानीज अपने शोज को डिफाइन करने के लिए बिजी थे, और इसके लिए उन्होंने एक नई टेक्निक डेवलप की जो कि काफी ज्यादा मेंटल थी। स्कूबा डाइवर जो कि माइंस को कैरी कर रहे थे, ये था उनका नया
इन्वेंशन। इन्हें फुकुरियू या फिर क्राउचिंग ड्रैगन्स भी कहा जाता है। ये लोग फुल डाइविंग गियर्स पहनकर 10 घंटे समुद्र के अंदर रह सकते थे। इनके पास एक 5 मीटर का बांबू पोल होता था जिसमें माइन लगी होती थी। ये लोग इंतजार करते थे कि एनिमी शिप्स इनके ऊपर ना आ जाए, फिर वो माइन को ऊपर अटैच कर देते थे। सुसाइड स्कूबा डाइवर्स वाला प्लान पागलों जैसा था, लेकिन जापानीज लोगों ने 6,000 से भी ज्यादा लोगों को ट्रेन करने का प्लान किया था, लेकिन 1,200 ही रेडी हो पाया जब तक जापान ने सरेंडर ना कर दिया। भले ज्यादा फाइट्स ओशन में ना हुई हो, लेकिन कुछ फाइट्स लैंड पे भी हुई थी जिसमें जापानीज अमेरिकन से 5 पावर में पीछे थी। जापानीज टैंक्स अमेरिकन टैंक्स के कंपैरिजन में कुछ नहीं थे, लेकिन जापान ने फिर से एक बार सुसाइड वेपन बनाने का सोचा और एक नया वेपन बनाया जिसका नाम था लंज माइन। लंज माइन फुकुरु से काफी ज्यादा सिमिलर था, लेकिन ये लोग फुकुरु के तरह पानी में छुप नहीं सकते थे, बल्कि उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो दौड़ते हुए टैंक्स के अंदर जाए और साथ में ही फट जाए। यू कांट इवन इमेजिन कि वो सोल्जर्स पे क्या बीतती होगी। लंज माइंस को वर्ल्ड वॉर के अंतिम समय में यूज किए गए थे अमेरिकन टैंक्स के अगेंस्ट, लेकिन इसका कोई एग्जैक्टली प्रूफ नहीं है कि इसने किसी टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया था। कामिकाजी प्लेन्स को साइड में रख के ये स्पेशल अटैक यूनिट काफी ज्यादा डैमेज नहीं कर पाया, लेकिन साइकोलॉजिकल डैमेज बहुत हुआ। जापानीज मिलिट्री में काफी लोग थे जिन्होंने इनकार कर दिया था ऐसे वेपन्स बनाने के लिए। काफी सोल्जर्स इस सिलेक्शन से बचते हुए या फिर भाग जाते थे, और जो लोग बचते थे वो लोग पीयर प्रेशर में आके इसे ज्वाइन कर लेते थे। काफी हद तक उनमें कईयों के पास कुछ चॉइस नहीं था। ये सब करने वाले इंसान का नाम था ताकिजिरो ओनिशी, या जिसे दी फादर ऑफ कामिकाजी भी कहा जाता है। जिस दिन जापान ने सरेंडर किया उस दिन ताकिजिरो ओनिशी ने खुद के पेट में चाकू मार के सुसाइड कर लिया। जापानीज ट्रेडिशन में इसे सेपोकु भी कहा जाता है। वो अपने इंजरीज को सहकर तहत 15 घंटे बाद मर गए, और जापानीज सुसाइड वेपन्स का एंड यही हो गया। दोस्तों, अगर आप इतिहास में झांक के देखोगे तो इतिहास काफी ज्यादा खतरनाक दिखता है। और रिसेंटली हमने एक नया वीडियो बनाया है कि एक स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट है जो कि अर्थ को खींचे जा रही है बहुत ही तेज स्पीड से, वो क्या है वो वीडियो देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करिए। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया है मैंने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।